दोस्तों, आप सभी लोगों के पास डेक ओवन होगा, और कई बार अगर एक ट्रे का है या तीन डोर का है तो कई बार किसी किसी में एक डेक नहीं चलता है या एक डेक का है तो वो चलता नहीं। तो होता क्या है, बहुत छोटा सा फॉल्ट है दोस्तों, उसमें फ्यूज होता है एक, जो सेफ्टी डिवाइस होता है, और वो कई बार ब्रेक डाउन हो जाता है और लोगों को पता नहीं होता है, और इसकी वजह से उसकी मशीन ऑफ हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये फ्यूज कहाँ होता है और इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। बड़ा ही आसान है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी किचन इक्विपमेंट की नॉलेज चाहते हैं तो हमसे जुड़ते रहिए। ये देखिए क्या हो गया। ये नीचे का चल रहा है, ये ऑन कर रहा है, नहीं चल रहा है। क्या होता है अगर दो ट्रे का या तीन ट्रे का और एक ट्रे का नहीं चल रहा है एक डेक का, तो ये देखिए ये फ्यूज आपको मिलेगा यहाँ पे। देखो ये ब्लैक होल्डर के अंदर होता है, ये गैस का ओवन है और इसमें ये फ्यूज होता है, बाजार में मिल जाता है। ये नॉर्मली 5 एम्पीयर का होता है। ये देखिए ये यहाँ लगाया और इसके अंदर ऐसे लगा के हम तो चढ़ा देंगे आराम से। ये हो गई हमारी मशीन ओके। आप भी अगर किचन इक्विपमेंट से जुड़ी हुई नॉलेज चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं NRB रेफरेंस सॉल्यूशन कंपनी, और मैं आपका दोस्त होस्ट सुरेश शर्मा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या रेफ्रिजरेशन इंजीनियर और काम सीखना चाहते हैं तो भी हमसे जुड़ सकते हैं।